जी नाज़रीन, मोहम्मद अली घोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी के, हैदराबाद से माशाल्लाह से तशरीफ लेकर आए हैं और एडवोकेट भी हैं। सनसनी खैज न्यूज़ का मैं शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने इस मौके पर, ये जो इफ्तिताह का मौका है, हसीन मौका है, ये परलिन सदर कराची का शहर है, दिल है, यहाँ पर ये होटल का आज ओपनिंग हुआ है, इसमें मुझे मधु किया है। मैं यहाँ पर आया हूँ, हमारे दोस्त हैं एम नईम साहब, ये शोब इसके आदमी हैं, इसे तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है। आज की इनोग्रेशन भी इन्होंने की है, इनके सर जाता है कि सेहरा शानदार इन्होंने तकरीब का, और हमारे जो इस होटल के ऑनर हैं हमारे इब्राहिम भाई और नईम मुनीर अहमद मलक साहब और मुनीर अहमद साहब, तो ये तमाम लोग जो है, मतलब इन्होंने शहर के अंदर एक आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी लग्जरी सर्विस फराहम की है इस परलिन के हवाले से। पीसी की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, कम पैसों में पीसी इन्होंने दे दी है आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए तमाम सहूलत। मैं अपना तारुफ किया मुख्तसर, मोहम्मद अली गौर एडवोकेट, मैं हैदराबाद का टू टाइम नाजिम भी रहा हूँ, लास्ट टाइम चेयरमैन भी, और अभी मैं हालत इलेक्शन में हूँ चौथे टाइम बल्दिया के। अल्लाह ताला क्या चाहता है, मैं फार्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जोड़ियो का 85-86 में ओएसडी था, छोटी सी उम्र में। हाल ही में मैंने जो है मोहतरम बाबा सियासत आसिफ अली जरदारी के हाथ रईस गुलाम कादर मरी की ओताक पर मैंने जो है सियासी बैत की थी। अब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सरगर्म मालूम है। बस ये कहना चाहूँगा कि तमाम पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तान से, हमें चाहिए किसी भी फोरम पर हो, किसी प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल, लेकिन एक्टिविटीज हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ समझाना इस इंतहा पर ना पहुँचे कि जिससे मुल्क और कौम मुश्किल में पड़ जाए। हमें कौम को और मुल्क को जो आज जो है बहुत मुश्किल हालात में, इनको निकालना है सबको। हमें मजबूत सियासत करनी चाहिए, मजबूत सोच पैदा करनी चाहिए। शोबिज के एम नईम साहब का शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें याद किया और मैं इनको दावत भी दे रहा हूँ। जमाली साहब है हमारे, डॉक्टर आलमगीर सिद्दीकी एडवोकेट मेरे साथ है, और मेरे दोस्त हैं फैसलाबाद के हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं कपड़े के, तो ये इस होटल में ही आइंदा स्टे करेंगे, आएंगे जाएंगे, और हम लोग भी इंशाल्लाह क्यों पीसी में। हमारे पास पाकिस्तान वैसे ही जो इकोनॉमिकली बहुत नीचे चला गया है, अब हमारे हालात भी इतने अच्छे नहीं होंगे, तो हम इसी होटल से पीसी का मजा लेंगे। पीसी के एज वेल एज वही स्टैंडर्ड, वही लग्जरी, और उसके मुकाबले में नॉमिनल है, और नॉमिनल दुनिया में हर लोग लाइक करते हैं, समझे ना। वो बस मैं समझता हूँ, फिर ये कराची का दिल है सदर, आज तो दाएं बाएं पता नहीं क्या क्या बन गए, लेकिन असल कराची सदर ही है, सदर इसकी शान है, मान है, शनाख्त है कराची की, इससे इनकार नहीं कर सकते। दिल के अंदर कोई दिल जैसी चीज बन जाए तो वो काबिले दीद होती है, काबिले सताइश होती है। मैं थैंक यू वेरी मच, मलक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हाजी अब्दुल हकीम किसी तारीफ या तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके खानदान के चश्मो चिराग जो भी हैं, वो कारोबारी दुनिया में, होटल की दुनिया हो या शोरूम की दुनिया हो या दीगर और बिजनेस, अल्लाह का शुक्र है नेक नामी है इनकी हर कारोबार के अंदर। अब्दुल हकीम साहब की ये यकीनन तरबियत का नतीजा होगा बच्चों की, कि इन्होंने जिन खतूत पर इन बच्चों की तरबियत की। मैं आज पाकिस्तान के सियासतदानों से, अब्दुल हकीम साहब की वसासत से अपील करूंगा पाकिस्तान के नाम पर, जिस तरह इन्होंने अपने बच्चों की सही खतूत पर तरबियत की है कारोबार के एतबार से, कोई भी कारोबार हो। और आज पाकिस्तान के सियासतदानों को चाहिए हाजी अब्दुल हकीम साहब से सबक लें, आप भी पाकिस्तान के नौजवानों की, नई नस्ल की, सबकी सियासी तरबियत इसी अंदाज में करें, ताकि वो अच्छे पाकिस्तानी बनकर अपनी कौम की, अपने मुल्क की खदमत कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, और परलिन होटल सदर में जो है जिंदाबाद। मैं सबसे पहले सिटी एंटरटेनमेंट के सीईओ जनाब नईम, मोहम्मद नईम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि हमारे बहुत पुराने मीडिया के ऑर्गेनाइजर भी हैं, इवेंट एक्सपर्ट हैं, और माशाल्लाह अरब कंट्रीज में भी काम करते हैं। तो आज इनकी तरफ से जो ओपनिंग सेरेमनी की अरेंजमेंट था, इट वाज वेरी फैंटास्टिक, तमाम इंतजाम अच्छे थे, खासतौर पर जो कॉरपोरेट सेक्टर को डेवलप करना है, मेहमानों को इज्जत देनी है, फिर साथ में इनका सुपर मार्केट भी बनी है, तो मैं इंतजामिया होटल पर इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना अच्छा इंतज़ाम भी किया है, और इंशाल्लाह ये होटल दिन दोगुनी और रात चौगुनी करेगा।
उम्मीद है कि आप और अच्छे अच्छे इवेंट करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी नाजी एम नईम हमारे साथ खड़े हुए इंटरनेशनल प्रमोटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं माशाल्लाह, होटल का ओपनिंग हुई है। हाँ जी माशाल्लाह, आज ये बहुत ज़बरदस्त सदर के इलाके में परलिन के नाम से होटल खुला है और उसके साथ ही तमाम एक सुपरमार्केट भी हुए इन्होंने लॉन्च की है और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी और इसके हम सब ने मिल के आप लोगों ने मीडिया वालों ने प्रिंट मीडिया वाले ने माशाल्लाह सब ने उसको अच्छी कवरेज दी है और मुझे उम्मीद है ये डिपार्टमेंटल स्टोर और होटल तरक्की करे और मज़ीद इस तरह की फैसिलिटीज आप आने वाले लोगों को मिलते रहें। मुकद्दर जमान से हम बात करेंगे इस वक्त प्रेसिडेंट है यूनियन के। अस्सलाम वालेकुम। वस्सलाम जनाब, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का और आज के जो होटल की ओपनिंग हुई इसकी सेलिब्रेशन में मैं अपने रेलवे की तरफ से और रेलवे की मेहनत कशों की जानब से मुबारकबाद देता हूं और ये जो हमारे दोस्त हैं नईम साहब इनकी बदौलत आज हमें इतनी इज्जत दी, इतनी बख्शी इज्जत और आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं कि हमें ऐसे इवेंट पे सेलिब्रेशन पे मौका देंगे और इसके अलावा बहुत अच्छी सर्विस आज प्रोवाइड हुई है, लोग खुश होंगे, मेहमान खुश होंगे, गेस्ट खुश होंगे और इंशाल्लाह हम अपने दोस्तों से भी सेलिब्रेशन करेंगे इस होटल में रहने के लिए आएँ। आज के इस प्रोग्राम को हम वेलकम करते हैं और इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम के बड़े बहुत बड़े होटलों के भी इवेंट हुए हैं लेकिन इसका जो इवेंट जो है ना एक कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा संसिक है जिसको कहते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।